This conference will now be recorded. Okay guys, चलिए let's begin with this session. आज का session काफी interesting होगा. That is the art of legal communication. Do not worry, law के बारे में अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. जो law के student शकल बिगाड़ रहे हैं वो ना बिगाड़े, because law के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा. आज law की वो वाली side दिखाऊंगा जो most interesting side होती है law की. That is the communication. क्या होता क्या है, by the way, communication क्यों किया जाता है, कोई कारण, any idea? क्यों करते communicate? और इसको इंटरैक्टिव रखना पड़ेगा सेशन को, तभी बहुत मजा आएगा. यस, लास्ट बेंच आंसर्स देंगी दोनों. क्यों करते हैं अपन कम्युनिकेशन, बातें बातें करते हैं ना अपन, और क्या हाल है? हाँ जी, फीलिंग्स शेयर. दैट्स एन इंटरेस्टिंग आंसर कि फीलिंग्स शेयर करते हैं अपन कम्युनिकेशन के थ्रू. हाँ प्रियांश, उनकी फीलिंग शेयर हो रही है, आपके आइडिया शेयर. ओके, हाँ विनीता, आपका क्या शेयर हो रहा है कम्युनिकेशन में? विचार. ओके ओके, विचार शेयर. यस सुशील, एनी आइडिया कम्युनिकेशन क्यों करते, बस यूं ही करते हैं ऐसा? हाँ रिद्धि, ऑल राइट, आपकी पर्सनालिटी शोकेस करने के लिए. यस सृष्टि, क्यों करते कम्युनिकेशन अपन? बात कन्वे करने के लिए. दैट्स अ गुड आंसर. तन्वी, यस, मेरे होनहार 12th के स्टूडेंट्स, कोई अपन बात करते हैं किसी से, किसी से कम्युनिकेट करते हैं कोई भी चीज, तो अपन बात क्यों करते हैं? अपनी अपना कोई मैसेज सामने वाले तक पहुंचाने के लिए. एक चीज समझना, नॉर्मल कम्युनिकेशन में और लीगल कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है. लीगल कम्युनिकेशन में एक एक वर्ड से पूरे कम्युनिकेशन का सेंस चेंज हो जाता है. एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, वो स्टेटमेंट सुनना, रुको मत जाने दो. क्या है? रुको मत जाने दो. ठीक है, रोको मत जाने दो. एक कहानी सुनाता हूँ, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. एक कहानी सुनाता हूँ. एक राजा था, मैं ले लूँ क्या सेशन? थोड़ा सा ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा. एक राजा था, उसके सेनापति उसकी वहां पे, जहाँ पे प्रजा वगैरह और वो सब बैठती है, मंत्रिमंडल बैठता है, वहां पे उसकी प्रजा वगैरह सारी इकट्ठी हो गई थी और किसी दूसरे देश पे वॉर करने की तैयारी चल रही थी. ध्यान देना एवरीबॉडी, इधर दूसरे देश पे वॉर करने की तैयारी चल रही थी, तो राजा ने स्टेटमेंट बोला, रोको मत जाने दो. अब इसके दो मीनिंग लिए जा सकते हैं, रोको कॉमा मत जाने दो, और एक हो सकता है रोको मत कॉमा जाने दो. इतना सा एक कॉमा से पूरा स्टेटमेंट, एक देश की किस्मत टिकी हुई, राइट? लीगल कम्युनिकेशन में एक पर्सन की जिंदगी टिकी हुई होती है एक छोटे से कॉमा पे. अगर वो कॉमा पे ध्यान नहीं दिया तो आदमी कॉमा में चला जाएगा. सीधी सी बात समझना, क्यों? क्योंकि लॉयर का एक छोटा सा स्टेटमेंट भी ना एक पर्सन को केस जीता सकता है, हरा सकता है, उसकी जिंदगी भर की कमाई उसको वापस दिला सकता है, या हमेशा के लिए उस चीज को गवा सकता है, राइट? उसी तरह से जब आप लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, जब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बन जाओगे तो क्लाइंट की बहुत बार एडवोकेसी करनी पड़ेगी आपको, राइट? कितनी बार टेक्निकल नॉलेज नहीं होना चलेगा, बट अगर आप कम्युनिकेशन में इतने अच्छे नहीं हो तो आप पक्का वहां पे एक बहुत बड़े फेलियर की तरह उनके सामने आओगे. और ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम क्लाइंट आपको कभी भी डील नहीं देगा कि हमारे को रिप्रेजेंट करो. कितने की डील्स होती होगी जनरली, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या अंदाजा कितने बड़ी डील्स होती होगी एक अकाउंटिंग फर्म के पास जो आती होगी? कितना? हजार करोड़. छोटा है ये भी अमाउंट, सही में छोटा है अमाउंट. क्यों है बता दो. जब एक क्लाइंट का किसी को पर्टिकुलर अकाउंटिंग का काम मिलता है ना, उनका, अब जैसे टाटा मोटर्स वगैरह और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनका रेवेन्यू टर्नओवर रिलायंस का 2 लाख करोड़. कितना? 2 लाख करोड़. इतना इतना तो रेवेन्यू टर्नओवर निकाल देती है ये बड़ी बड़ी कंपनियां.
आपको लगता है कि अगर आपके कम्युनिकेशन चैनल्स अच्छे नहीं है, कम्युनिकेशन के तरीके अच्छे नहीं है, तो आप लोग को कभी वापस डील देगी? एक भी रुपए का नुकसान हुआ ना आपकी कम्युनिकेशन लैकिंग में, तो उसकी वजह से अगली बार आपको डील नहीं मिलेगी। तो लॉयर्स जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो मेक श्योर करते हैं कि सामने वाले का दिल दिमाग सबको जीतना है एट एनी कॉस्ट। लॉयर्स लॉ के बेसिस पे केस नहीं जीतते कभी भी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लॉयर्स लॉ के बेसिस पे केस नहीं जीतते, स्पेशली इंडिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के अंदर लॉयर्स लॉ को तो जानते ही नहीं, प्रोविजंस क्या है जानते ही नहीं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन में इतने शानदार होते हैं कि वो जीत जाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा लॉयर बताओ, नरेंद्र मोदी, वो इंडिया का सबसे बड़ा लॉयर है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे वो इंडिया की एडवोकेसी कर रहे हैं। वो क्यों बार 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 इलेक्शन जीत रहे? बिकॉज उनका कम्युनिकेशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग है जितना अच्छा श्री पप्पू गांधी का नहीं है, जानते ना अपन, राहुल गांधी, राइट, कांग्रेस से जो भी, आई एम सॉरी। तो मेन चीज क्या होती है कि राहुल गांधी क्यों नहीं जीत पा रहे इलेक्शन को, क्योंकि वो जानते नहीं है कि अपनी बात को कैसे स्ट्रॉन्गली कम्युनिकेट करना है। इधर से सोना इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा, तो वो डायलॉग नहीं है। आपकी बात आपके खुद के कान में जा रही है, क्या बोलना क्या चाह रहे। नरेंद्र मोदी जब बोलना चालू करते हैं ना, उनका एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट कि उससे उनकी पूरी सत्ता, पूरी सरकार गिर सकती है एक एक वर्ड से। अभी स्टेडियम का वो हुआ था, ध्यान है, इनॉग्रेशन हुआ था ना अहमदाबाद में, सबसे बड़ा स्टेडियम, तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप बोले थे, जानबूझ के बोले थे, पता है वो चीज, ये पब्लिसिटी स्टंट था, ताकि उनको पता है आजकल मीम पेज बहुत एक्टिव चल रहे, इससे अपन यूथ की नजरों में आना चालू हो जाए। जो अभी नए नए इंस्टाग्राम चलाने चालू हुए ना, टिकटॉकर्स वगैरह और वो सब रील्स बनाने वाले वगैरह, राइट, वो क्या करेंगे, वो लोग भी जानेंगे कि इस देश का, वो लोग भी जानेंगे कि इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। स्पोक्स पर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी। मजाक के वे में ही जानेंगे, जानेंगे तो सॉरी, राइट। इसलिए आपको क्या लगता है ये प्यूमा और इनके जो फर्स्ट कॉपी शूज आते हैं, दैट इज पोमा, एबीबास है ना, रिबुक, ये सब शूज बिक रहे, कंपनी को पता नहीं है क्या कि ये ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, लेकिन कंपनी क्यों बिकने दे रही है इसको, उनकी तो फ्री में मार्केटिंग हो रही है ना। अभी जैसे मान लो मैं गरीब हूँ, मान लो, ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं गरीब हूँ और मैं रिबुक खरीद रहा हूँ, जब मैं अच्छे पैसे अफोर्ड कर पाऊंगा एक शू के लिए, तो मैं ऑब्वियस ही बात है उस ब्रांड को तो जानता हूँ, फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा ओरिजिनल रिबॉक के शूज के ऊपर, इसलिए वो कंपनी चलने देती। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी अपन कोई लीगल कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आपका एक एक वर्ड एक पर्सन की जिंदगी इधर या उधर, एक लाइन ऑफ डिफरेंस पे चलते हैं अपन। जब कोई केस लड़ा जाता है ना कोर्ट के अंदर, तो इतना थिन लाइन ऑफ डिफरेंस पे आदमी चल रहा होता है कि अगर उसने एक गलत वर्ड बोला नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन जानते हो क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, जॉली एलएलबी मूवी देखिए, उसके अंदर वो उस पंडित से बात निकलवाता है, आओ शास्त्रार्थ करते, फिर वो लास्ट में बोल जाता है या अल्लाह, ये भी होता है। एक छोटा सा गलती अगर आपने कम्युनिकेशन में करी ना, वो केस इधर से उधर कर सकता है। ये सिर्फ कोर्ट में नहीं होता है, ये मीटिंग टेबल्स पे भी होता है। एक छोटा सा गलत वर्ड यूज किया और वो डील आपके हाथ से गई। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक बैकग्राउंड देता हूं कि किस तरह से लॉयर्स कम्युनिकेट करते हैं। जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं आप लोग को बताता हूं कि किस तरह से लॉयर्स वगैरह कम्युनिकेट करते हैं, उससे रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो। सूट्स करके एक सीरीज आती है, सुना है उसके बारे में, सूट्स के बारे में, उसकी एक छोटी सी वीडियो है, और लॉयर्स का किस तरह का एटीट्यूड रहता है बात करते हुए। लॉयर्स ऐसे लोग होते हैं ना जो मान के चलना, जजेस और लॉयर्स ये आईएएस वाईएएस को भी नहीं काटते, ये मिनिस्टर्स को भी नहीं काटते। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं ना, कोई अगर आईएएस या मिनिस्टर बिना उनके पूछे उनके ऑफिस में घुस जाए ना, लात मार के बाहर निकाल देते, इतना दम रखते वो लोग। क्योंकि एक कंट्री में जो सबसे सुप्रीम चीज चलती है वो क्या होती है, लॉ।
एक लॉयर्स का किस टाइप का एटीट्यूड रहता है और किस तरह से वो बातों को कम्युनिकेट करते हैं वो अपन इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। And my respect is earned. That's all two things, but C. C is for people who should be like, I am me. Life is this. I like this. But you give me shit as much as I come and go, and I want to, you know why I can do that? Because when I got here, dominated, they thought I worked 100 hours a day. No matter what time they get, nobody questions my ability to get the job done. Give me your hands. First impressions last. How's that detonation coming? Long fuse. Is that your way of telling me that it's never one? Well, it doesn't. You could always have James Bond take care of it for you. Part of the strategy is like Gandalf. You know who's watching more of the NFL than you do, right? Who? Michael Jordan. But, you know, the way you go call. माइकल जॉर्डन को कॉल लगा रहा है। देखा आप लोगों ने लॉयर्स का किस तरह का एटीट्यूड रहता है बात करने वक्त, क्योंकि ये सिर्फ लॉयर्स का एटीट्यूड नहीं है, ये हर बड़े कॉर्पोरेट हाउस के किसी बड़े एम्प्लॉई का ये ही सेम एटीट्यूड रहता है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन द एटीट्यूड। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉयर्स लोगों का ऐसा एटीट्यूड रहता है। जितने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, कभी बात करके देखना, वो दो मिनट आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस आदमी से कभी बात नहीं करते जो बात करने में उन लोगों का वैल्यू एडिशन कर। बात समझे, वो बहुत चूजी होते कि किससे वो बात करेंगे किससे बात नहीं करेंगे। वो खाली बैठना पसंद कर लेंगे, उस खाली टाइम के अंदर अपने आप के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम करना चालू कर देंगे, बट वो कभी भी हर किसी से घूमते फिरते आदमी से बात नहीं करेंगे। वो कहीं सड़क पर निकल भी जाए ना, अभी जैसे रतन टाटा है सीईओ ऑफ टाटा, वो कहीं सड़क पे निकल जाए ना तो 100 जने आसपास घूमने वाले और फोटो खिंचाने वाले, सिग्नेचर एंड ऑटोग्राफ्स लेने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, बट वो ऐसा नहीं करते। अटेंशन की जरूरत किसको नहीं, सबको, उन लोग को नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इतना अटेंशन होता है कि उनको नए अटेंशन की जरूरत नहीं होती। और कम्युनिकेशन के टाइम पे कुछ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। अगर मैं आपको कुछ बात कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो ये सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, वो ये होती है कि आप आराम से बोलो, किसी की कोई ट्रेन नहीं छूट रही। अगर आपको कोई बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट करनी है ना, तो आराम से बोलो, बिकॉज जब आप आराम से बोलते हो, स्लो पेस के अंदर बोलते हो, तब आप वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज एक बार कोई स्पीड से बोलना चाहेगा किसी चीज के बारे में, आप में से कोई ट्राई करेगा? एनीवन? कोई अगर टॉपिक दूं, अभी वैसे अपन ये एक्सरसाइज करेंगे, अभी हाथ नहीं खड़े कर रहे हो, बाद में तो मैं नाम ले लेके बुलाऊंगा, एक्सटेम्पोर करेंगे आज अपन। एक्सटेम्पोर में क्या होता है कि मैं एक टॉपिक दूंगा आपको और आप हाथों हाथ उस पर बोलना चालू करोगे विद इन सेकेंड, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस एक्सटेम्पोर को जीता जा सकता है, क्योंकि कितनी बार बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशंस ऐसी आती है जहां अनप्लान्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है आपको अपने क्लाइंट्स के साथ, और अगर आपको एक्सटेम्पोर करना नहीं आता है तो ध्यान रखना वो मीटिंग जीतना और वो डील जीतना बहुत मुश्किल होता है। कितनी बार आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं प्रिपरेशन के, सिर्फ 10 सेकंड, उस 10 सेकंड के अंदर आप मीटिंग रूम में घुसने वाले, आपको 10 सेकंड पहले बताया गया कि ये चीज के ऊपर मीटिंग है और ये आपको संभालना है। ये जो अभी हार्वी स्पेक्टर को जो अपन ने देखा, इस टाइप के जो अकाउंटेंट्स, इस लेवल के जो अकाउंटेंट्स होते हैं जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, बिग फोर में काम करते हैं, बड़ी बड़ी ACCA फर्म्स में काम करते हैं, वो लोग के लिए 10 सेकंड भी ज्यादा होते हैं। उसको हैंड टू हैंड मीटिंग रूम में भी घुसा दो ना, वो मीटिंग जीत के आएगा।
क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इस चीज की बहुत सारी प्रैक्टिस पहले कर रखी। तो आज अपन कुछ तरीकों के बारे में देखेंगे कि किस तरह से अपन इफेक्टिवली कहीं पे भी बोल सकते हैं। आप लोगों में से कोई कोई तरीका बताएगा कि कैसे अपन कम्युनिकेशन में इफेक्टिवली बोल सकते हैं? एनी आइडियाज? हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करके, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके, वेरी गुड। और कोई तरीका? बजराज स्पीक अप, बीच में पॉज दे दे के, वेरी गुड। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, इधर पढ़ तो नहीं रहे? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीबॉडी? और कैसे अपन अपने कम्युनिकेशन को बहुत इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने, उनसे क्वेश्चंस करके उनको कम्युनिकेशन में एंगेज करके, वेरी गुड। वॉइस थोड़ी सी अप रखो आपकी, ओके जी। करंट वर्ड सिलेक्शन, करेक्ट वर्ड सिलेक्शन, ओके, सही शब्दों का इस्तेमाल करके, दैट्स आल्सो ग्रेट वे ऑफ विनिंग अ कम्युनिकेशन। जयांश एक पॉइंट बताएंगे, प्रिसाइजली टॉक करना और कॉन्फिडेंटली बात करना। अब देखो एक चीज समझाता हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है ना, ये होती ही नहीं, इट्स अ बिग मिथ। अगर ये सिचुएशनल बेस्ड चीज है पूरी, कैसे, अगर मैं मेरे कंफर्टेबल लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, जैसे ही अननोन फेस आए मैं डरने लग जाऊंगा। मैं जब कम्युनिकेट करता था ना, जब पहली बार क्लास ले रहा था बीटी की, मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम पे भी 20-25 बच्चे बैठे हुए थे बैच में और मेरी आवाज दूज रही थी। मुझे पता है वो शिवरिंग, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट ACCA क्लास और सामने सारे अननोन फेसेस। कॉन्फिडेंस मुझे तो बहुत था क्लास से पहले कि आई विल नेल द क्लास, लेकिन फिर दूजना क्यों चालू हो गया एकदम से, कहाँ गया कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज द बिग मिथ, वो बहुत जल्दी भाग जाता है। एक अनसर्टेन सिचुएशन हुई, एक उल्टा सीधा क्वेश्चन आया, डांस चालू, हाथ पैर और रूह तीनों कांपेगी एक साथ, राइट? तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैं 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो चीज आपको ध्यान में रखने है अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। सबसे पहला पॉइंट, बोलने से पहले सुनना सीखो। जब आप बोलते हो तो आप वो चीज बोल रहे हो जो ऑलरेडी आपको आती है, बट आप जब सुनते हो ना तो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हो, राइट? अगर आपको सुनना नहीं आता ना तो कभी आपको कोई बोलने भी नहीं देगा, ये चीज ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, अपन सब लोग चिटचैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह चल रहा है, अपन लोग जब आपस में सब बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, जो बड़बोला होता है ना, जो वाचक व्यक्ति होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता रहता है, क्या उसकी बात में कोई वेटेज होगा? तो दिन भर बोलता रहता है, इसकी क्या बात माननी यार, छोड़ो ना इसको। और एक आदमी जो सीरियस रहता है, थोड़ा कम बोलता है, जनरली बात करता नहीं है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है तो कुछ अच्छी बात ही निकालता है अपने मुंह से, राइट? क्यों उसकी बात ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी? उसके पीछे सबसे पहला कारण उसको सुनना आता। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी से बात करो और वो आपको एग्जैक्ट बात कम्युनिकेट कर दे, तो पहले उसको सुनना सीखो। ऑल वी वॉन्ट इज ईयर्स टू हियर आवर वॉइस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आदमी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाता लाइफ में, आदमी स्ट्रेसफुल क्यों हो जाता लाइफ में इतना ज्यादा? क्योंकि उसको उसकी बात बोलने वाला कोई मिल, उसकी बात सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं। अभी तो आप बहुत चिल्ड आउट लाइफ में हो ना, बढ़िया, पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, ठीक है, खाने पीने के खर्चे कुछ संभालने नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल भराना है, उसका खर्चा कुछ संभालना नहीं है, अभी बहुत चिल्ड आउट लाइफ, मस्त जीवन जी रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे बेटर आगे आने वाले टाइम में जीवन होगा नहीं, क्योंकि अभी आप डिपेंडेंट हो हाल फिलहाल, ठीक है। लेकिन एक समय बाद जब आप वर्किंग लाइफ के अंदर आओगे ना, तो ये स्ट्रेस बिल्डअप होना धीरे 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 चालू होगा। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो आप लोग सब जानने वाले, सबकी लाइफ में, जॉब लाइफ में ये स्ट्रेस बिल्डअप होगा ही। अगर एक पर्सन सही नहीं मिला ना, जो आपकी बात बिना जज किए आपको सुन सके, ये बात ध्यान रखना, लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने वाला, राइट? अगर चाहते हो कि सामने वाले से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सको, तो पहला चीज, पहला रूल, पहला प्रिंसिपल, द गोल्डन रूल, लिसन लिसन एंड
लिसन, सुनना सीखो बोलने से पहले, तब ही अच्छे से बोल पाओगे. सेकेंड, कीप इन माइंड हुम यू आर कम्युनिकेटिंग विथ. फॉर एग्जाम्पल, आप मीनाक्षी मैम से बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं. अरे यार सर क्या बात करते, चलो ना एक बार बोल के तो देखो ऐसा. या फिर आप अपने मैनेजर से बात कर, आप सबऑर्डिनेट हो और आप अपने मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहे हो, अरे सर क्या बात करती, ये काम कैसे नहीं होगा, आप ही होगा, लो चलो साथ में करते. इतना इनफॉर्मली एक बार बोल के तो देखना मैनेजर, तुरंत अनएम्प्लॉयड किया जाओगे. अभी हार्वी बोला था ना, तुरंत एक सेकेंड में अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर हो जाओगे. क्यों? यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब. तो हमेशा कम्युनिकेशन करते हो, हमेशा किसी बच्चे से ऐसे बोलते हैं, एक साल का बच्चा है, बेटा तुझे पता है जिंदगी में ना दो चीजें होती है, एक होता है शरीर, एक होती है आत्मा. एक सेकंड में जो वो ना कर दे तो ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण गाइस एवरीबॉडी, उसका कारण क्या है कि आप ये भूल गए कि आप किससे क्या बात कम्युनिकेट कर रहे. तो सेकंड पॉइंट द गोल्डन रूल दैट इज कि आप हमेशा ये ध्यान रखे कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो. भाई से कम्युनिकेट कर रहे हो अलग तरीके से करोगे, बॉस से कर रहे हो अलग तरीके से कम्युनिकेट करोगे, सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहे हो तो अलग तरीके से होगा. ठीक है, थर्ड, बॉडी लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ता. किसने बोला भी था यहाँ पे आंसर में? आपने बोला, बॉडी लैंग्वेज से हद से ज्यादा फर्क पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी सेशन यू बैठ के सुन रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आ रहा है सेशन के अंदर. सर आप कुछ इंटरेस्टिंग बात करो, खाना बंद करो हम. क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपके बहुत सारे मैसेज क्या करती है, कन्वे करती है, राइट. कम्युनिकेशन में एक चीज समझाता हूँ, बॉडी लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कभी एक तो बोलता जा तू बोल हम सुन रहे हैं. क्या है तेरा काम है फेंकना, मेरा काम है लपेटना, राइट. एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ना सामने वाले को सीधा ये मैसेज कम्युनिकेट करती है कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो या नहीं, राइट. अगर बीटी की या लॉ की क्लास में आप लोग कैमरा स्टार्ट करके नहीं रख रहे हो तो ये चीज आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप अभी लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको बाकी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. उसी तरह से बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं. अगर मैं बोलते बोलते मैं इधर देख रहा था, अभी बोल रहा था और एकदम से मैं ऐसे देखने लगा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट. तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का बहुत मैटर करता है चीजें. और चौथा पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मैसेज को भेजने से पहले रीचेक कर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है ब्रेकअप. अगर मैसेज सोच समझ के नहीं भेजा या रीचेक नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बहुत जल्दी आपका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अपने सीनियर को कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने से पहले ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या करें, उस मैसेज को रीचेक कर लीजिए. अगर आपने मैसेज को रीचेक नहीं किया और उसके अंदर कुछ भी मिस्टेक हुई, वो आपके इम्प्रेशन को खराब करता है, ठीक है. अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, मैं वर्ड बोलना चाह रहा हूँ होप्ड और होपड बोल दू, ठीक है. तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, दैट वुड क्रिएट अ बैड इंप्रेशन. सोचो मैं 1,000 करोड़ की डील वाली मीटिंग में बैठा हूं, है ना, और मैं होपड बोल दू एक तरह से, यू गाइस कैन इमेजिन उस डील का क्या होने वाला है. जीरो भी नहीं. हाँ, 1,000 के सारे 0 हटा दो, करोड़ भी हटा दो, वो 1 रुपया भी मुझे रेजिग्नेशन फीस का मिलेगा, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, बी ब्रीफ येट स्पेसिफिक. बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल्स में किसी चीज को बोलने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बोलो बट स्पेसिफिक बोलो.
जितनी जरूरत है उतना ही बोलो, नफा कमाओ, ये बहुत जरूरी होता है। कोई आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा होता है ना, अपने आप उसकी बात लेस इंटरेस्टिंग बन जाती है। अगर मैं एक घंटे तक आपको यही सिखाता रहूं कम्युनिकेशन किस तरह से बेटर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ठीक है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना करवाऊ ना, पक्की बात है एक घंटे का सेशन भी उतना ही इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट, राइट थिंग्स डाउन। अगर मान लो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ या आप किसी मीटिंग में बैठे और मैनेजर आप लोग को कोई चीज बता रहा है, लिखना चालू कर दो उसको हाथों हाथ, अपनी मेमोरी पे मत टिके रहो। कोई मेरे को सेकंड पॉइंट बता सकता है मैंने क्या बोला था? क्योंकि ये फ्रेश बात थी तो आपको याद आ गया कि आप ये दिमाग में रखोगे किससे कम्युनिकेट करने वाले, बट यही चीज अगर आपको शाम को या रात को पूछी जाती तो शायद आपको याद नहीं रहती। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि आपको वापस कभी न कभी रेस्पॉन्ड बैक भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी यू स्टार्ट टेकिंग डाउन नोट्स, राइट। सेवेंथ पॉइंट, दैट इज इफ यू हैव अ लॉट टू से जस्ट कॉल देम, डू नॉट ईमेल देम। अगर आपके पास बहुत लंबी गॉसिप से बात करने के लिए तो आपके दोस्त भी बोल देते भाई व्हाट्सएप में बात मत कर, सीधा कॉल कर दे, ठीक है, उस पे बात कर दी। यही चीज फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी चलती है। आप अपने मैनेजर को एक दो पेज का मेल लिख के भेज दो, उसके पास टाइम है पढ़ने का? हाँ, कभी नहीं पढ़ेगा। बट वही चीज आप उनको डायरेक्टली कॉल करके भी बोल सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपका बहुत ज्यादा डिटेल वाली चीज किसी को समझानी है, या तो उनसे फेस टू फेस मीटिंग रख लो या उनको कॉल कर दो। कोई भी डिटेल वाली चीज मैसेज में जनरली लिख के ना भेज। नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। सोच लो पहले, जब बोल रहे हो ना उससे पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो। दिस इज नॉट योर स्कूल और कॉलेज, दिस इज कथा पंडाल। वो एक वीडियो देखी आप लोगों ने? हाँ, एक लड़की एक धर्म गुरु को पूछती है कि भगवान होते हैं क्या, ये वो, हम दूध क्यों चढ़ाते हैं, पैसा क्यों बिगाड़ते हैं? तो फिर वो बोलते हैं माइंड यू थिंक बिफोर यू स्पीक, दिस इज नॉट योर स्कूल और कॉलेज, दिस इज कथा भंडार, ठीक है। तो ऐसा बोलते राइट। तो हमेशा पॉइंट ये नहीं है कि ये कथा भंडार है, ये क्लास है, पॉइंट ये है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, सोच समझ के बोल। अगर जिबान का और दिमाग का जिस दिन कनेक्शन टूटता है ना, तो चीजें बहुत खराब होती है। और ये पार्टी करने वालों को तो बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि देर आर सम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस जिसकी वजह से जिबान और दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, उसको पता है कि उससे आंखें भी ढंग से टम 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 नहीं हो रही, और वो बोल रहा है वो गाड़ी चलाए। तू ही मेरा भाई है, तेरे लिए जिंदगी कुर्बान। बट यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि जब आपका इसका और इसका कनेक्शन टूटा ना, एवरीबॉडी काइंडली नोट, इसका और इसका कनेक्शन टूटा ना, तो मान के चलना आप जो कम्युनिकेशन करोगे वो कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन रूल एक कम्युनिकेशन को जीतने का, सबसे रेस्पेक्टफुली बिहेव करो और हमली बात करो। यू डू नॉट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है। आज मैं आपसे बदतमीजी कर लूं, कल को क्या पता आप पीएफसी खरीद लो और मुझे आपके अंडर में काम करना पड़े, और फिर आप मेरे को लात मार के बाहर निकाल दो। ऐसा कभी होगा नहीं वैसे, बट ठीक है। पॉइंट इज You do not know, actually you do not know कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आपको कम्युनिकेट करना है ना और उस कम्युनिकेशन को जीतना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, दैट टू विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। चाहो ना तो बहुत बदतमीजी से भी बात कर लूँ ना स्टूडेंट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा नाम खराब होगा, मेरी नौकरी नहीं जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर उन लोगों को जीतना है, आपको अपनी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट करनी है, तो उनसे रेस्पेक्टफुली बात करना सीखो। तब आप एक्सपेक्ट करो कि आपको भी इक्विवेलेंट रेस्पेक्ट मिलेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वरना भूल जाना कि बात की कोई रेस्पेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल,
ए प्रियांश तू क्या कर रहा है, ऐसे कैसे क्लास में बैठा है? अगर मैं इस तरह से बोलू, सॉरी हाँ, अगर मैं इस तरह से बोलू क्या वो मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, या मैं जो बात कम्युनिकेट कर रहा हूँ मेरे वर्ड्स को वो इम्पोर्टेंट वे में समझेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे हल्की से भी नहीं? प्रियांश काइंडली आप सही से बैठ जाइए क्लास के अंदर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ऐसे बैठे, राइट? ये भी एक तरीका था, एक था डिस्ट्रक्टिव वे, एक था कंस्ट्रक्टिव। क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है ना तुमने मीटिंग, तो कम्युनिकेट करो तो किसी से भी बहुत रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करो। आधा कम्युनिकेशन, 50% कम्युनिकेशन आप वही जीत गए जहां आपने सामने वाले को कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट दे दी, क्योंकि ऐसा कौन आदमी है जिसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है? लास्ट पॉइंट, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल, बहुत जरूरी है। अगर आप बात करते वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो बात करने में, कोई कम्युनिकेट करना आपसे बात करना कभी लाइफ में पसंद करेगा? किसी भी वे में पसंद करेगा बात करना? नहीं करता। एक एग्जांपल देता हूँ, घर के बड़े बुजुर्ग जो 60-70 साल के हो गए हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है वो नेगेटिव सी बातें करने लगते। उनसे कुछ भी हंसी मजाक की बात करो तो एकदम से नेगेटिव एस्पेक्ट में बात करने लग जाते। कुछ कुछ जवान लोग भी ऐसे होते हैं और कुछ कुछ अपनी एज के लोग भी ऐसे होते हैं। मैं नहीं हूं ऐसा, जो इतना आपने फर्मली न किया है। आप भी एक बात कम्युनिकेट कर रहे हो मुझे कि सर संभल जाओ, बट डोंट वरी मैं नहीं रखता ऐसा एटीट्यूड। तो बेसिकली जब आप कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं बात करने में, ठीक है, आप स्माइल मेंटेन रखते हैं। अब स्माइल का मतलब ये नहीं है कि एक स्मर्की स्माइल भी हो, कोई आप मेरे को बात कम्युनिकेट कर रहा नेवर एवर डू दैट, सामने वाला इतना बुरी तरह से ऑफेंड होगा, राइट? तो हमेशा मेक श्योर करें कि एक पॉजिटिव और एक अच्छी स्माइल मेंटेन करके चले। ये 10 रूल्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है, लॉयर्स को झूठ बोलना सिखाया जाता है क्या? लॉयर्स के बारे में बहुत कुछ गलत इमेज बनी हुई है मार्केट के अंदर कि इनसे बड़ा झूठला कोई नहीं। नहीं, वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोग झूठी बात को सच्चा बना के बोलते हैं। फर्क है एक झूठ बोलना और एक झूठी बात को सच्चा रिप्रेजेंट करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है? तो कुछ कोड्स हैं लॉयर्स के बारे में, और जो लॉ की फील्ड का एक कोड मैं आपको बताता हूं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोड इन द फील्ड ऑफ लॉ। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। अगर आप किसी को कंफ्यूज कर देते हो तो उस आदमी को वैसे ही जीत गए आप कम्युनिकेशन में। कन्विंस तो आप कर नहीं सकते, अगर कन्विंस कर पाते तो आपको किसी आदमी को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। तो ये लॉ की फील्ड का वन ऑफ द मेजर कोड माना जाता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को कन्विंस नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो उसको बुरी तरह से कंफ्यूज कर। एग्जाम्पल, कोर्ट के अंदर जब केसेस चलते हैं, राइट, तो लॉयर को शुरुआत से पता होता है कि मैं ये केस किसी भी हालत में जीत ही नहीं सकता। वो ये एविडेंस लाएंगे, वो एविडेंस लाएंगे, दुनिया भर के लॉ और केसेस सामने ला के रख देंगे, वो जज खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं जजमेंट दूं तो दूं कैसे, ये केस तो दिन पे दिन और पेचीदा होता जाए, राइट? इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी सुनाता हूं। एक एडवोकेट थे, एक केस था, बहुत बड़ा केस था, और एडवोकेट उसको लड़ रहे थे। उनके बच्चों की जो पूरी अपब्रिंगिंग करी है ना, उस केस की फीस से ही उन्होंने करी थी। उनका बेटा भी लॉयर बना। एक दिन पिताजी पड़ गए बीमार, पिताजी बीमार पड़े तो वहां पे जज ने उनके उनके पिताजी की जगह उनका बेटा गया केस लड़ने, और जज ने पूछा आज जजमेंट दे दे, कि हाँ मैं आज फाइनल आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ और जजमेंट दे देते। कोर्ट में जजमेंट हो गया, बेटा केस जीत गया, ठीक है, और वो खुशी खुशी घर गया, पापा पापा अपन केस जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप केस 25 साल से नहीं सुलझा पा रहे थे मैंने आज एक दिन में सुलझा दिया। उसके पापा ने धो दिया उसको, बुरी तरह से, वही करने लगे इतने दिन ही तमिल चल दे,
कि बेटा इस केस को अपन ने पेंडिंग चलाया था ना जज को कंफ्यूज रख रख के, उसी से तू बड़ा हुआ। ये पेशियों की जो फीस आ रही थी ना उसी से तेरा घर चला है, और तूने वही केस सुलझा दिया। मैं चाहता था इसको फर्स्ट डे में सुलझा सकता था, बट मैं जानबूझ को जज को कंफ्यूज करके रख रहा था। उसका कारण क्या था? कि पेशियों की फीस आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे कितनी बार होता है ऐसा, अब जैसे आपके पास मान लो किसी बात के रिगार्डिंग कोई टेक्निकल नॉलेज है नहीं, बट आपको बातचीत करनी बहुत तगड़ी आती है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, उससे टेक्निकल बातें करो ही मत। उसको बातों में इतना बुरा कंफ्यूज कर दो कि उसको मानना ही पड़ेगा कि हाँ। अरे इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल MLSU में आंसर शीट्स लिखते हैं ना बच्चे, ये तो भूल ही गया मैं। जैसे ही वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो अपने गले से पानी उतारते हैं। सर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, बायो मींस प्लांट्स एंड टेक्नोलॉजी मींस कंप्यूटर, तो प्लांट्स और कंप्यूटर्स मिला के अपन कुछ बनाते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी के। ये आदमी क्या कर रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है सर। वैसे खैर फैकल्टी इतनी बेवकूफ नहीं होती, वो जीरो दे देगी आपको, ठीक है। अगर किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो कंफ्यूज बहुत अच्छे तरीके से करो। एक बहुत पॉपुलर कोट लॉ की फील्ड का, ही इज नॉट अ गुड लॉयर हु कैन नॉट टेक बोथ द साइड्स। केस हमेशा एक केस की दो ही साइड्स होती, एक होता है प्लेंटिफ एक होता है डिफेंडेंट। एक अच्छा लॉयर वो ही होता है जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को बचा सके। अगर आप सिर्फ वन साइडेड केस लड़ना जानते हो ना तो आप अच्छे लॉयर हो ही नहीं। अगर आपको बोला जाए ना कि अभी तुरंत प्रभाव से सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट कर दो, लॉयर्स को कम्युनिकेशन करना इतना बढ़िया आता है ना कि वो तुरंत प्रभाव से पलट जाएगा। वो होता है ना बिन पेन देगा लोटा, एक सेकंड में उस साइड से बोलना चालू कर देंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू। पहले बीजेपी के गुण गाए, फिर गुण गा रहे राहुल गांधी की। इतनी बुरी उड़ाता था वो आदमी, इतनी बुरी उड़ाता था, और अब राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा फेस है। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, आप देख लो वक्त हालात जज्बात सब एक साथ बदल गए, राइट। तो ये था कि ही इज नॉट अ गुड लॉयर हु कैन नॉट टेक टू साइड्स, ठीक है। और कोर्ट की एक कहावत सुना था, कोर्ट में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि पता है केस कौन जीतता है, जिसका लॉयर तगड़ा। केस वो नहीं जीतता है जिसके पास एविडेंस अच्छे हो, केस हमेशा वो जीतता है जिसका लॉयर तगड़ा। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी और लास्ट कहानी है, उसके बाद कोई कहानियां नहीं हो गया बस। इंडिया के जब प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तब उन्होंने लॉ के लूपहोल को यूज करके इमरजेंसी लगवाने की कोशिश की थी इंडिया में, ध्यान है, सुना है कभी? उस टाइम पे अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज होने के लिए बात चल रही थी पार्लियामेंट में कि फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज किया जा सकता है या किसी से छीना जा सकता है। राइट टू लाइफ भी तो एक फंडामेंटल राइट है, अगर इसको छीना जा सकता तो आपको किसी भी सेकंड गोली से उड़ा सकते। बट देयर वॉज अ वेरी बिग लॉयर ऑफ इंडिया, द बेस्ट लॉयर ऑफ इंडिया दैट इंडिया कुड एवर हैव, हिज नेम वॉज मिस्टर नानी पालकीवाला। दिख रहा है सामने? पता है कभी भी बजट आता था ना, इनका कम्युनिकेशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक स्टेडियम भर के लोग बैठते थे बजट को ये एक्सप्लेन करते थे, एक घंटे के लेक्चर में, एक या दो घंटे का लेक्चर लेते थे। और इस साल का क्या बजट आया और क्या नए लॉज आए हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन, उसको ये सुनते थे, ठीक है, उसको पढ़ते थे और फिर लोगों को बताते थे, एक्सप्लेन करते थे कि इस साल का बजट ये, इस साल के टैक्सेशन लॉज ये। उनका लेक्चर स्टेडियम में कंडक्ट कराया जाता। इनको माना जाता है द बेस्ट लॉयर ऑफ इंडिया। अभी इंडिया के बेस्ट लॉयर कौन है पता है? हरीश साल्वे का नाम सुना है?
सलमान खान का केस जो लड़ रहे थे, ये ब्लैक बक पोचिंग केस जोधपुर में जो चल रहा था ना, वो केस, वो इनके शिष्य रह चुके, इनके स्टूडेंट है। अभी इंडिया के जो बेस्ट लॉयर है वो इनके स्टूडेंट है। ही इज अ एक्सीडेंटल लॉयर, ही वांटेड टू बिकम अ सीए, गलती से लॉ की फील्ड में आ गए, क्योंकि तब सीए के पेपर इनसे क्लियर नहीं हो रहे थे और तब पीएससी एजुकेशन आया नहीं था सीन तो ये एक्सीडेंटली लॉ की फील्ड में चले गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस का ये स्टेटमेंट होता था, सुनना सब लोग ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो इतने पावरफुल होते हैं कि एक मिनिस्टर को कभी भी निकलवा सकते हैं उसके काम से, उसका काम खा सकते हैं, उसकी सत्ता पलट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने पावरफुल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर उदयपुर में आ जाए ना, राजस्थान के सीएम तक हिल जाए, इतनी पावर होती है। और इतने पावरफुल लोग नानी पालकी वाला के कम्युनिकेशन के लिए एक बात कहते थे, व्हेन नानी यूज्ड टू स्पीक, उनको प्यार से नानी बोलते थे जजेस, व्हेन नानी यूज्ड टू स्पीक इट वाज द वॉइस ऑफ डिवाइन नॉट द वॉइस ऑफ नानी, ऐसा लगता था स्वयं भगवान कुछ बोल रहे। उनकी आवाज ना हम 7 दिन तक हमारे कानों में गूंजती थी, वो जिस तरह से कंटेंशन देते थे, जिस तरह से बातें करते थे कोर्ट के अंदर, हम भुलाए नहीं भूल पाते। क्या फर्स्ट डे से नानी ऐसे ही बोल रहे थे क्या? वो विद प्रैक्टिस, विद डेडिकेशन, विद डिसिप्लिन उनका कम्युनिकेशन सुधरा। लॉयर्स की लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, और सिर्फ लॉयर्स नहीं, हर कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी का यही रोल है। आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। पता है कौन कौन सी फील्ड ऐसी होती है जिसमें विद एज एंड विद एक्सपीरियंस ज्यादा पैसा मिलने लगता है? सारी प्रोफेशनल फील्ड्स, अकाउंटेंट्स, ACCAs, CA, CS, लॉयर्स, डॉक्टर, इन सारी फील्ड्स के अंदर आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने आप बेस्ट बनते जाएंगे और उतना ज्यादा आपको पैसा मिलने लगेगा। देर आर 4 stages इन फील्ड ऑफ प्रोफेशंस, गाइस सब लोग इधर ध्यान देना, ये आप लोग के बहुत काम की बात बता रहा हूँ। 4 stages होती है प्रोफेशनल फील्ड्स की, नो वर्क नो मनी, पहली स्टेज, ना आपके पास काम होगा ना आपके पास पैसा होगा। सेकेंड स्टेज, वर्क बट नो मनी, ये टाइम होता है आपके आर्टिकलशिप का या इंटर्नशिप्स का। काम तो आप इतना ज्यादा करते हो जिसकी हद नहीं, बट आपके पास पैसा नहीं होता है, स्टाइपेंड के नाम पे जीरो। थर्ड स्टेट आती है, दैट इज वर्क एंड मनी। अब आपके पास काम भी होगा और पैसा भी हो। चौथी स्टेज आती है, नो वर्क बट आपके एक सिग्नेचर से लाखों रुपए कमाओ, आपके जूनियर्स जाके काम करें, इतना इंफ्लुएंशियल फील्ड होती है प्रोफेशनल फील्ड्स। और अगर इनके अंदर आपको ढंग से कम्युनिकेट नहीं करना आता है, देन इट मेक्स नो सेंस। आप आधी से ज्यादा डील्स हार जाओगे, आप अपनी लाइफ में भी बहुत पीछे रह जाओगे अगर आपको अपनी बात सही से कम्युनिकेट करनी नहीं आती। भैया आपकी सैलरी नेगोशिएशंस होती है इंटरव्यू के टाइम पे? सैलरी नेगोशिएशंस होते हैं, आप वहां पे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, पता है अपनी बात, और उसके चक्कर में आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीना कम हो जाती। क्यों? क्योंकि अपन को कम्युनिकेट करना अपन ने कभी सीखा ही नहीं, अपन ने अपने राइट्स, जो अपने हक की बात है, वो सामने रखनी कभी सीखी ही नहीं। जरूरी नहीं है भाटे फेंक के ही बात करनी, अनपोलाइट वे में ही बात करनी हो, कोई जरूरी नहीं। आप सामने वाले से हम्बली बात करो, बट आपको ये जरूर आना चाहिए कि अपने हक की बात कैसे किसी के सामने रखें, ठीक है? ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं। समझ आया गाइस मैंने आज क्या समझाया आपको? पक्का। अब इस सेशन का नाम आर्ट ऑफ लीगल कम्युनिकेशन क्यों था? लॉयर्स अपनी बात समझा देते हैं पूरी और एंड तक आदमी समझता ही रह जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा, क्योंकि उनको सिर्फ बोलने का पैसा मिलता है। और लीगल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा आर्ट यही होता है कि मैंने किधर से घुमा के बात चालू करी थी और किधर घुमा के ला के छोड़ दी, ठीक है? दिस इज आर्ट ऑफ लीगल कम्युनिकेशन।
लॉयर्स से बेस्ट ओरेटर इस दुनिया के अंदर होते नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं लॉयर्स को एडवोकेट्स ही नहीं कर रहा हूँ लॉयर्स की यहाँ पे, वो क्यों ऐसे होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लॉयर्स के इक्विवेलेंट कम्युनिकेशन या उनसे बेटर कम्युनिकेशन करना जानते हो ना, आपकी आधी से ज्यादा लाइफ सॉल्व रहेगी हमेशा। और ऐसा कहते हैं 100 दुश्मन पाल लो चलेगा, एक लॉयर फ्रेंड पाल लो, जो अच्छा लॉयर फ्रेंड, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि एक लॉयर ही आपको बता सकता है कि आप अगर अपनी गाड़ी के अंदर बेसबॉल बैट रख रहे हो तो साथ में ग्लव्स भी रखो। अगर खाली बेसबॉल बैट रखा तो कोर्ट में यही साबित होगा कि साहब आप लड़ाइयां करने के लिए ही बेसबॉल बैट रखते थे, बट अगर आप साथ में ग्लव्स भी रख रहे हो तो आप कह सकते हो मैं बेसबॉल खेलता हूं। व्हाट माय पॉइंट, तो ये चीज आपको एक लॉयर फ्रेंड ही बता सकता है। वो क्यों बताता है, क्योंकि वो बहुत लोगों से दिन रात कम्युनिकेट करता है और उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, उसकी नेटवर्किंग इतनी शानदार हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑल राइट गाइज, विद दिस ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट अपन यहीं पे ओवर करते हैं इस सेशन का। मीनाक्षी मैम ने आई गेस कुछ आपको सेशन के अंदर टास्क दिए थे कि शॉर्ट में आपको कुछ बातें कम्युनिकेट करनी है रिगार्डिंग पीएफसी है एसीसी है। ठीक है, अब अपन सब लोग उस चीज को जज करेंगे एक बार कि कितना बढ़िया शॉर्ट में आपने एसीसी या पीएफसी के बारे में कुछ बातें कम्युनिकेट करी है। विल सी दैट। सबसे पहला, फाइव प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। गाइस आप ही लोग जज हो, जो सबसे बेस्ट होगा उसको आज प्राइज मिलेगा, दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर। ठीक है, विनर विनर जैन लेक्चर आ रहे हैं आप, क्या बात। चलिए चलिए, फाइव प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, स्टॉक्स ERM, Excel, GATE, ACCA, PFC, Education, ठीक है। ये पहला तरीका था इनका precised form में communicate करने का, interesting form में communicate करने। किसने बनाया था? अरे, nice. चलिए, next, course with the highest packages, ACCA from PFC, minions, ये किसने बनाया? ये भी आपने सारे आपके हैं क्या? अच्छा, तीन चार बनाने थे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, ACCA करियर अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे बोल रहे हैं यू शुड परस्यू ACCA विद PFC। क्या बोलना चाह रहे हैं इस मैसेज के अंदर? ये किसने बनाया? ये भी आपने बनाया? वो एक DID का इंटरव्यू था ना, मुझे भी धर्मेश ने सिखाया। कौन है ये धर्मेश? वैसे बाय द वे, ये वाला किसने बनाया? एनीवन? हाँ, कोई इसको ऑन करने ही नहीं चाह रहा है। चलिए, ऐसा डॉक्टर मैं जो समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि डॉक्टर बोल रही है ACCA करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही है, और ये सामने वाला आदमी पेशेंट कह रहा है अच्छा ACCA करना है तो PFC से, ऐसा कुछ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ACCA करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये जेरी बता रहा है विथ PFC, PFC इज गुड लर्निंग इन इंडिया, और फिर जेरी इसको कूट देता है। ये किसने बनाया? किसी ने तो बनाया है। Who has made this? नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं उनकी उड़ाना चाहता हूं, नहीं, मैं समझना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या, मैसेज क्या है इसके पीछे। Anybody who has made this meme, ACCA career opportunity? With PFC is good learning in India. पंकज ने बनाया था कि वो छोड़ के चले गए? अनीशा शेवकानी, अच्छा पास हो गई? ओहो, कांग्रेचुलेशंस गाइस।
नेक्स्ट समवन कोई बोलता है एसीसी इज डिफिकल्ट ले पीएफसीएन वाह ये बहुत जोरदार दिस वाज गुड है ना चलिए नेक्स्ट ये किसने बनाया था नाइस नाइस वेरी गुड गाइस क्लैप बता दो लोगों के लिए भी ताली बजा चलिए नेक्स्ट स्टार्टिंग एसीसीएस जर्नी फ्रॉम फॉर अ नॉर्मल फ्रॉम अ नॉर्मल इंस्टीट्यूट कहना चाह रहे थे देन स्टार्टिंग एसीसीएस जर्नी फ्रॉम द गोल्ड लर्निंग पार्टनर पीएफसी वेरी गुड ये किसने बनाया शाबाश वगैरह नेक्स्ट सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज मीट पीएफसी एजुकेशन ओके ये एक तरह से विजिटिंग कार्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग बनाया है कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बात को ओके ये किसने बनाया कौन है ओन कर लो इसको रिद्धि विनीता अच्छा बना है जिसने भी बनाया Who has made this? Nobody wants to own their own work. Next, aim, work hard, achieve and repeat. Okay, इन्होंने क्रिएटिव तरीका अपना है पीछे वाले का फोटो खींच के और ये ACCA PFC Education Scholarship सारे वर्ड्स डाल दिए एक साथ वेरी गुड किसने बनाया प्रियांश है विनीता शाबाश Next, in 10th class, after ACC in corporate world, this is nice. पहले हालते खराब है, फिर हालते बहुत सुधर गई है। कम्युनिकेट किया है किसी ने? किसका है ये? यहाँ चल वेरी गुड आंसर। Next, अरे ये तो गजब ही है। अरे ये वाला कंसेप्ट है। अच्छा पी है क्या सॉरी हाँ पी का है अच्छा हाँ ये तो हो गया पी फिर ये हो गया एफ अच्छा पी एफ सी इफ इट्स एसीसीए थिंग पीएफसी ओके नाइस गुड वेरी गुड क्लियर टेंशन अच्छा करियर टेंशन सॉरी करियर टेंशन क्लियर टेंशन दिमाग से टेंशन मुक्त हो जाओ करियर टेंशन आप करियर टेंशन की तरफ भाग रहे थे और पीएससी एजुकेशन ने खींच लिया बेटा लोड मत लो वेरी गुड ये किसने बनाया ये ऑनलाइन वाले तो बता ही नहीं रहे कि किसने बनाया चलिए जिसका भी था वेरी गुड जॉब नेक्स्ट अच्छा इजी में ये जो भी स्टूडेंट है इनकी बहुत मेमोरीज पड़ी है पीएफसी गुड जॉब उसने बनाया दो अच्छा अंशुल वेरी गुड अंशुल चलिए नेक्स्ट क्या है अच्छा बहुत सारे रास्ते हैं करियर के कंफ्यूज रास्ते हैं अच्छा एसीसीए तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं और पीएफसी ओके वेरी गुड अलग रास्ता पीएफसी का ऑल राइट वेरी गुड ये किसने बनाया ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी ने बनाया है इसको बिफोर अरे किसने बनाया सच ए बोरिंग डे वाला ये देखते दिस इज इंटरेस्टिंग
before getting enrolled in PSC Saturday. After getting enrolled. With many world rank other institutes. अच्छा PFC with many world ranks and other institutes says मेरा expertise बिल्कुल नहीं है इसके अंदर so I am out. चलिए very good. ये किसने बनाया? मैंने बनाया सर. मैंने who is मैंने हनीशा right? Yes sir. Okay very good हनीशा very good congratulations. चलिए next. ACC aspirants thinking of going to other institutes other than PFC ले PFC हैं। बस सोचो मना कर दो। ये किसने बनाया? ये भी मैंने बनाया। हाँ जी सर। Okay okay चलिए great job guys बहुत बढ़िया। चलिए let's decide one winner. कौन है winner आप ही लोग बता दो। मेरे व्हाट्सएप चैट्स नहीं पढ़ने दूंगा सही बात है सर देखो प्रिसाइज कम्युनिकेशन इसे कहते हैं एक तीर से सर ने पांच सात निशाने चलाए ठीक है तो लेट्स डिसाइड द विनर फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन वाला थिंग क्या लगता है आप लोग वोट कीजिए पीछे वाली बेंच किसका था सबसे बेस्ट हाँ बोरिंग डे आपका क्यों और किस किस का नहीं है अच्छा ओके आई जस्ट चेक गिव मी वन मिनट आई जस्ट चेक सर कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताओ अनंत तो चले भी गए अनंत का सिंपल है मैं आया तो अनंत चले जाते क्लास में भी ऐसे होता हाँ जी कम्युनिकेशन में चल रहा है अच्छा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्राइडे All right guys. तो क्या सीखे आज के सेशन से तो विनीता ये सीखी है कि कम बोलना चाहिए प्रिसाइज बोलना चाहिए जरूरत भी है अच्छा हाँ गजराज what was your learning from the session today हाँ LLB ACC के बात करना आगे आचल क्या सीखे सोच के बोलना जो भी बोलो सोच के बोलो जो भी बोलो जो भी बोलो ओके वेरी गुड रिद्धि ओके खुशी कम बोलो और अच्छा बोलो एंड प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट मैनर संकल्प क्या सीखे भैया वेरी गुड पहले सुनो फिर बोलो हाँ रसु क्या सीखे आप कुछ बोलो एक चीज जो सीखे आप एक कोई भी पॉइंट बताओ जो आप आज के सेशन से सीखे हैं बस ओके हाँ हाँ इंसान बोलने से रह जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कितनी बार अपने राइट्स आप सामने नहीं रख पाते हो यस प्रियांश बी कॉन्फिडेंट वेरी गुड सृष्टि सेम बी कॉन्फिडेंट वेरी गुड बोलो बट स्मार्टली बोलो ओके क्या सीखे सुनना भी आना चाहिए वेरी गुड क्या सीखे सोच समझ के बोलो बोलो तो बोलो बढ़िया बोलो
इन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से सीखा है, बोलो तो बोलो बट बढ़िया बोलो। वेरी गुड। हाँ गौरव, क्या सीखे सेशन से आज? सर जो लिखने से पहले चेक करना, बोल सर कोई भी मैसेज भेजने। अच्छा, इस व्यक्ति को ब्रेकअप से बहुत डर, लड़ाई हो गई है, यू हो जाती है, राइट। केस कशिश, क्या सीखे आप आज के सेशन से? सोच समझ के बोलो कि आप किससे बात कर रहे हो, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। केकशा, सॉरी कांक्षी, कांक्षी क्या क्या सीखा? किससे कितनी क्या बात करनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। यस जयंश, पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज बोलिए, वेरी गुड। कांक्षी क्या सीखे? पहले सुनो फिर बोलो, वेरी गुड। कार्तिक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर, क्लेवर और स्मार्ट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखो, क्लेवर मैनर में रखो, स्मार्ट वे में रखो, वेरी गुड। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्पेसिफिक एंड ब्रीफ बोलो, वेरी गुड। सोच समझ के बोलो, नपातुला बोलो। पता है मैंने ये लास्ट में आप सबसे क्यों पूछा? आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं ना तो उसके लास्ट डिपार्टिंग शब्द ही आपको जनरली याद रहते हैं, उसके अलावा जनरली कुछ भी याद नहीं रहता। ये कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो जब आप अपना कम्युनिकेशन ओवर करो ना तो चीजों को कंक्लूड करना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि आप जो चीज आखिरी में बोलते हो ना वो सबसे ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होके रह जाती है, वरना बाकी सारी चीजें जो आज मैंने बोली ना भूल जाता है। या फिर अगर आप कम्युनिकेट और बेटर करना चाह रहे हो ना, ह्यूमर ऐड करो, क्योंकि उससे क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। ऑल्सो अब ये भी चीज ध्यान रखिए कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो इसके इंटरेस्ट के टॉपिक की बात करो, ठीक है। आज मैं आपसे भिंडी 12 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो की बात करूंगा, यू हैव नो इंटरेस्ट इन दैट, ठीक है। बट 12 लाख रुपए साल की जॉब कितना इजीली निकालना होता है, अगर वो बताऊंगा ना तो सबके कान एक सेकंड में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो कोशिश करो कि अगर सामने वाले के इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो कम्युनिकेट करो ही मत, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव होना तय है। तो लेट्स डिसाइड द विनर्स, क्या बोलते हो आप लोग, कौन जीतना चाहिए? आपके पास है, आपका वाला जो था, क्या थी बताओ? हाँ व्हाट्सएप कर दो। अच्छा ये तो यहाँ से भी तो दिख ही रहा है फिर भी। हाँ देख लेते, जस्ट टू मोर मिनट्स गाइज, विल डिक्लेयर द विनर्स। सेंड किया कांक्षी मेरे को? हाँ भेजो भेजो सर, मैंने भी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने भी कुछ बनाया हो और वो कम्युनिकेट नहीं हुआ है, वो यहाँ तक अगर नहीं आया है तो आप मुझे अभी भेज दीजिए। Just one second.
ये था निखिल और अक्षित का. लेट्स सी दिस. Give me another chance to grow up once again. Give me some. कट गया व्हाट्सएप की वजह से. 30 सेकंड का ही आया मेरे पास. कंधों को किताबों के बोझ में झुकाए. 30 सेकंड्स है ना. ओके. अरे ये तो बहुत गजब चीज है. ये तो देखना बनता है आप सबका. Life after ACC. solid. हाँ और किस किस ने भेजे हैं. डालनी पड़ रही है मुझे के. सर मैंने भी सेंड किए. ओके यस मैम. नहीं नहीं मैम चल रहा है. अच्छा हम वही देख रहे थे. बाकी स्टूडेंट्स के भी आए हुए हैं. अच्छा तो हम विनर ढूंढ रहे हैं. हां जी आप लोग ही वोट कर लो. इसका कंफ्यूजन था. हां बता मैं फिर से. कौन जीते. हो गया डिसाइड हो गया. क्या था मैंने दिखाई. कौन सा वाला था इनका. अच्छा मेरी सारी व्हाट्सएप चैट मैम यहाँ पे खुल रही है क्योंकि मेरे पे व्हाट्सएप है. देखिए गाइस ये वाला है एक विक्रम ने जो भेजा है. ठीक है. बी अ ग्लोबल प्रोफेशनल विथ पीएफसी. अवेल योर फ्री एसीसीए रजिस्ट्रेशंस. ओके. आंशी का देख लिया. ये वाला है आचल का. अपने 15 सेकंड में ओके ही हैव द विनर. ऑल राइट एवरीबॉडी सो वी हैव द विनर्स विद अस. आप लोग कोई सजेशन देंगे कौन है विनर. अब बताइए. वो निखिल और अभिषेक वाली भी बता दी मैंने आपको. वो वाली भी देख ली अपन ने. सच अ बोरिंग डे सच अ बोरिंग पीपल. और बताइए सजेशंस एवरीबॉडी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु शुड बी डिक्लेयर्ड एज द विनर. यस अनीशा आप वाला भी देख लिया मैंने. Kekasha is saying me. Selfish नहीं है. अभी सीखा है उन्होंने. अपने खुद के rights रखना सीखो. communicate करना सीखो. One winner. I can decide one winner. So, guys, there are basically two winners for this. One is Kekasha, second is Nikhil and Akshay.
So congratulations to both of them. ठीक है, कैकश आप अपने प्राइजेस कलेक्ट कर सकते हैं पीएफसी के वहां पे। दिस इज प्रिसाइज कम्युनिकेशन जो भी था सब, अब इसके अंदर सब कुछ मान सकते हो आप। ठीक है, तो विद दिस विल वाइंड अप द सेशन, मैम विल टेक ओवर द पोडियम नाउ। Okay, so we have something that is customary for the session speaker. Yes, happy day. Okay. आज the session speaker हमारे the king of BTNMA, sorry, BTN law. तो हमारे कौन कौन थे बेटा? जयांश, निखिल एंड सक्षी कंबाइंड। And also everybody kindly note, next Saturday's session is on office etiquettes. ठीक है, office etiquette सबसे and official communication, ये वो चीज है जो सबसे पहली ऐसी चीज होती है जो आपको ऑफिस में घुसते ही आनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप एंटर होते हैं, सबसे पहली चीज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑफिस एटिकेट्स एंड ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट? सर हमारा एक सेशन छोटा सा बाकी है, सो कशिश ने वॉलंटियर किया था एंड आई मस्ट टेल यू एवरीबॉडी, जितने जनों ने सेशन लिए पूरे कम्युनिकेशन मंथ सीरीज में, उन सबको एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा, खाली उन्हीं को वो रिकॉग्निशन मिलेगा दैट दे हैव टेकन सेशंस एट पीएससी। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ जने ग्रैब करते हैं और कुछ जने दूसरों को देखते रहते हैं ना, यू डिसाइड विच साइड यू वांट टू बी एट। हां, जो भी वॉलंटियर करना चाह रहे हैं वो पहले बता दे, है ना, अगर पहले बता देते हो तो वी गेट योर नेम इन द क्रिएटिव ऑल्सो, तो आचल आप इन्फॉर्म कर दे निशा मैम को। ठीक है, सो टुडे वी हैव कशिश, सो कशिश कम ओवर, कशिश सेशन ले रही है ऑन द टॉपिक effective communication through tongue twisters and we were really looking forward to this session because Kashish ne jab mujhe idea bataya maine kaha ki theek hai kafi sare abhi games hone wale hain kuch fun tasks hone wale hain so let's just welcome Kashish कुछ आपको पीपीटी वगैरह चाहिए? पीपीटी नहीं सर, लास्ट में वो है ना वो जो क्वेश्चन वो गेम्स है ना जो तो बच्चों से टंग ट्विस्टर दिलवाने हैं तो उसके फोटोज हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। मेरा व्हाट्सएप ऑन कर दूंगी, रहने दो ना। वो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं कोशिश करता हूँ पेन ड्राइव में। अच्छा मेन पे सिर्फ पिक्चर्स मेन सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ कशिश शारदा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनकॉमन टॉपिक लाइक
So let me tell you why I chose this topic. So a few days ago, I was just scrolling YouTube videos and I saw a woman talking about how tongue twisters can help us in effective communication. So let's discuss this topic now. So tongue twisters are a great way to introduce alliteration and very important to increase the student's speaking ability. Practicing tongue twisters allow people who are learning English to increase their speech skills. The faster the person can say a tongue twister without slipping up, the stronger their language skill becomes. This process is good for building a vigorous confidence in speaking fluently and correctly. We are using tongue twister word again and again. So let's know what a tongue twister is. A tongue twister is a sequence of words that is difficult to pronounce quickly and correctly. It's harder because of similar patterns of sounds in its words. Let's talk about some of the benefits of practicing tongue twisters on a daily basis. So tongue twisters are a lot of fun and are a very good group activity. The sooner one starts practicing tongue twisters, the easier it is for them to learn new sounds. They stretch out the speech muscles and strengthen them so that one is able to produce different sounds clearly. People who practice tongue twisters often have the clearest speech. Last but not the least, they serve as very good energizers for a language or pronunciation classroom. So whenever you are, whenever you see your learners getting bored, like you are getting now because it's too long, so you could use tongue twisters to bring energies and add fun to the class. So let's now try some of the tongue twisters. So, tongue twisters. Yeah. एक सेकंड प्लीज फाइव है सर तो फिर क्लिक कर मेरे को एक साथ क्लिक कर एक साथ नहीं हो रहा is there four answers in outbox और पेजेस एक और हाँ सो फर्स्ट वन इज दिस सो लेट मी ट्राई वंस बेटी पॉटर बॉट अ बिट ऑफ बटर द बटर बेटी पॉटर बॉट वाज अ बिट बिटर एंड मेड हर बैटर बिटर बट अ बिट ऑफ बेटर बटर मेक्स बेटर बैटर सो बेटी पॉटर बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर मेकिंग बेटी पॉटर्स बिटर बेटर बेटर So who will try? Next. Vinita Didi will try this. Right?
वहीं से बोल दो नहीं नहीं कांशी नहीं कोई बात नहीं हाँ ठीक है कांशी नेक्स्ट सर एक और किधर ये था वही ये पुराना वाला था ये हो गया तो इट्स हाउ मच वुड वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड ही वुड चक ही वुड एज मच एज ही कुड सो ही कुड एंड चक एज मच वुड एज अ वुडचक वुड If a woodchuck could chuck wood. Nimesha. गजराज यस यू कैन How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would as much as he could, and chuck as much wood as woodchuck would if woodchuck could chuck wood. Wow. Email You are next. इसी मेल के अंदर छोटा वाला पूछ रहा हूँ सर So it's a flea and a fly. A flea and a fly flew up in a flew. Said the flea, "Let us fly." Said the fly, "Let us flee." So they flew through a flaw in the flaw. This thing. Yes, Sister.
the fly flew up in a flew. Set the flea, let us fly. Set the fly, let us flee. So they flee to a flaw in the tree. Wow. आराम से मिल भी जाएंगी, ठीक है? नेक्स्ट वीक डिस्कस करना ही अपने को, साथ में आप कर लेना कुछ चीज, ठीक है? डन। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द लवली स्पीकर्स एंड ऑल द लवली लिसनर्स। सी यू नेक्स्ट सैटरडे। जिनकी मंडे की क्लास है इसका मतलब नहीं, नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे सेशन के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।